हेलो एवरीवन वेलकम अगेन लास्ट वीडियो में हमने प्रोटिमिक्स के साथ जब हम डील कर रहे थे तो हमने उसका एक पूरा ओवरव्यू जो है वो हमने देखा था ये पूरा फ्लो चार्ट मैंने आपको समझा दिया था जिसमें मेरे अभी कुछ स्टेप बचे थे जिसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे तो यहाँ पे आज लास्ट वीडियो में मैंने आपको बता दिया था एक बार आप लास्ट वीडियो अगर आप प्रोटिमिक्स स्टडी कर रहे हो तो मेरी एक रिक्वेस्ट है प्लीज़ आप इसको स्टार्टिंग से चेक करिए जो मैंने पार्ट्स बनाए हैं वहाँ से आप चेक करिए ताकि आप इजीली समझ पाओ चीज़ों को उसके बाद है हमने देख लिया था कि स्टडी करेंगे पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन को अगर हमारी प्रोटीन में किसी तरह का पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन हुआ है तो उसको चेक करने के लिए उसको प्रेडिक्ट करने के लिए हम डिफरेंट टाइप के वेब सर्वर को यूज़ करते हैं उन वेब सर्वर के बारे में मैंने आपको बताया था कि उसमें कुछ वेब सर्वर थे जिसमें एक वेब सर्वर था मेरा एस जो कि हमारा स्टेटि स्टेटिस्टिकल अप्रोच पर बेस होता है और ये हमारी फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट को मिनिमाइज़ कर देता है सेकेंड वन इज़ ऑटोमोटिक वेब सर्वर जो हमारी प्रोटीन की सीक्वेंस की मोटिव होती है उनको प्रेडिक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है थर्ड वन इज सिस्टीन सर्वर और रिकर्सव रिकर्सिव न्यूरल नेटवर्क जिसमें हम डायसल्फाइड बोन की प्रोडिक्शन को स्टडी uh, करते हैं कि हाँ हमारी प्रोटीन अफोल्ड हो चुकी है क्योंकि हमारी प्रोटीन जो है वो नेटिव फॉर्म में होती है तो पोस्ट ट्रांसिट मॉडिफिकेशन के बाद वो क्या होती है वो अपनी थ्रीडी स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाती है तो उसके लिए हम डिफरेंट सर्वर यूज़ करते हैं दैट इज़ असिस्टीन वेब सर्वर रिकर्सिव न्यूरल नेटवर्क फॉर प्रोडिक्शन ऑफ डायासल्फाइड बॉन्ड ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में बता दिया था उसके अलावा हम कुछ और मेथड कुछ और वेब सर्वर भी यूज़ करते हैं दैट इज एक्सपेसी और एजिड ये दोनों भी हम पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन को स्टडी करने के लिए यूज़ करते हैं एस एक्सपेसी में आप कंफ्यूज मत होना कि एक्सपेसी अगर प्रोटीन आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज़ किया गया था तो क्या वो पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन के लिए भी यूज़ किया जाएगा येस yes, ऑफकोर्स एक वेब सर्वर बहुत सारे काम करता है ज़रूरी नहीं है कि वो सिर्फ प्रोटीन को आइडेंटिफाई कर रहा है तो उसका यहाँ पर स्टॉप हो जाता है काम नो इट्स नॉट पॉसिबल बहुत सारे ऐसे वेब सर्वर बनाए जाते हैं जो एक से ज़्यादा काम को हैंडल करते हैं तो एक्सपेसी वेब सर्वर जो है प्रोटीन आइडेंटिफिकेशन के साथ साथ पोस्ट और ट्रांसलेशनल मोडिफिकेशन को भी कैरी करता है और यहाँ पर एक्सपेसी के अंदर कुछ डिफरेंट सब प्रोग्राम आते हैं दैट आर फाइंड मोड एंड ग्लाई मोड ये दोनों मैथड जो होते हैं सब प्रोग्राम जो होते हैं ये यूज़ किए जाते हैं फॉर स्टडिंग पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन और प्रोडिक्शन ऑफ प्रोटीन उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो आप बोल सकते हो स्टेप है जो कि ग्रीन शेडिड मैंने किया है दैट आर देट इज स्टडिंग प्रोटीन शॉर्टिंग बाई यूजिंग वेरियस वेब सर्वर देखो मैं यहाँ पे आपको प्रोटीन शॉर्टिंग के बारे में डिटेल में नहीं बताऊँगी जब मैं चैप्टर में डील करूँगी क्यों क्योंकि ये एक जो टॉपिक है ये मोल बायो का टॉपिक है दैट इज़ मोलिकुलर बायोलॉजी का चैप्टर है ये प्रोटीन शॉर्टिंग इसके बारे में मैं आपको अलग से वीडियो के दो uh, मेरे लेक्चर हैं मेरे चैनल पर उनको मैं कंटिन्यू करूँगी तो आप वहाँ से समझ सकते हो या फिर प्रोटीन शॉर्टिंग के लिए आप इतना लगा लो कि हमने मान लो आप सबको पता है कि हमारी प्रोटीन जो है वो एक जगह पर बनी है मोस्टली टाइम वो राइबोसोम के अंदर बनती है राइबोसोम के थ्रू हम अपनी प्रोटीन बनाते हैं अब वो राइबोसोम सोम एक सेल के अंदर जब ऑर्गेनिल्स होते हैं जिसमें राइबोसोम होता है तो प्रोटीन वहाँ पे बन चुकी है अब वो प्रोटीन हमें उसके टारगेट तक पहुँचानी है वो टारगेट हो सकता है हमारी सेल के अंदर ही हो या फिर वो हो सकता है सेल के बाहर हो तो अगर वो हमारे सेल के अंदर ही हमारा टारगेट होता है तो उसके लिए और या फिर सर से बाहर होता है तो वहाँ तक पहुँचाने के लिए ट्रांसपोर्ट सिस्टम कैरी किया जाता है लाइक like, मान लो अगर हमारी आ, मैं आपको जस्ट नॉर्मली बता रही हूँ अगर मान लो हमारी ये एक मान लो ये एक हमारी सेल है और इस सेल ये सेल में बहुत सारी हमारी एक जगह पे प्रोटीन बन चुकी है लेकिन इसी सेल के अंदर हमारी और भी ऑर्गेनिल्स होती हैं मान लो यहाँ पे प्रोटीन बनी है तो ये प्रोटीन हमारी यहाँ से होते हुए हमारे ईआर तक जाएगी ईआर से जाने के बाद ये हमारी गोलजी अपरेटस तक जाएगी गोलजी अपरेटस से जाने के बाद ये डिपेंड करता है कि वो इंट्रा सेलुलर है या एक्स्ट्रा सेलुलर है अगर वो इंट्रा सेलुलर है तो वो सेल के अंदर ही रहेगी और अगर वो एक्स्ट्रा सेलुलर है प्रोटीन तो उसका टारगेट जो है एक्स्ट्रा सेलुलर है तो वो प्रोटीन यहाँ से निकल जाएगी तो इस जगह से लेके इस जगह तक जो प्रोटीन ने पाथ फॉलो किया उसको हम प्रोटीन शॉर्टिंग बोलते हैं और इस चीज को कि ये प्रोटीन शॉर्टिंग जब हमारी जा रही है यहाँ से यहाँ तक तो क्या ये प्रोटीन अपने पाथवे में अच्छी तरह से कैरी कर पा रही है या फिर इसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है तो इन चीज़ों को स्टडी किया जाता है इन चीज़ों को स्टडी करने के लिए वेब सर्वर का यूज़ किया जाता है ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होता है क्योंकि अगर प्रोटीन गलत है प्रोटीन अपने टारगेट तक नहीं जा पा रही है अपने सही टारगेट तक नहीं जा पा रही है तो उसकी वजह से बहुत सारे डिजीज हो सकती हैं तो यहाँ पे आप डिफरेंट टाइप के वेब सर्वर्स को यूज़ करते हो और यहाँ पे आप एक वेब सर्वर यूज़ करोगे ये तीन वेब सर्वर आप यहाँ पे यूज़ करते हो दैट दा, आर सिग्नल पी टारगेट पी और पी शॉर्ट इनके बारे में आगे बताऊँगी ये तीनों वेब सर्वर जो हैं इसके लिए यूज़ किए जाते हैं सिग्नल पी टारगेट पी एंड पी शॉर्ट उसके बाद आप आगे चलो आगे आप जब जाओगे तो आप देखोगे कि हम अब तक हमने प्रोटीन को यहाँ से पहले हमने प्रोटीन को फॉर्म किया प्रोटीन जो फॉर्म थी उसको सेपरेट किया से प्रोटीन से पहले सबसे पहले हमने सेपरेट से किया सेपरेट करने के बाद हमने उसको आइडेंटिफाई किया आइडेंटिफाई करने के बाद हमने उसको पोस्ट ट्रांसलेशन और मॉडिफिकेशन उसमें चेक की प्रेडिक्ट की और फिर उसके बाद हमने फोर्थ स्टेप में प्रोटीन का पाथवे चेक किया कि वो किस तरीके से जा रही है अब आप एक चीज़ ध्यान रखो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या चेक करेंगे प्रोटीन की प्रोटीन के साथ इंट्रैक्शन कैसे अगर एक प्रोटीन यहाँ से चली है यहाँ से मतलब अपने टारगेट जा रही है तो वो क्या करेगी वो रास्ते में आने वाली बहुत सारी चीज़ों के साथ इंट्रैक्ट करेगी तो ऐसी कंडीशन में प्रोटीन का डीएनए के साथ हो सकता है आरएनए के साथ हो सकता है प्रोटीन के साथ हो सकता है हाइब्रिड के साथ हो सकता है लेकिन हम मेनली प्रोटीन पे फोकस कर रहे हैं तो हम यहाँ पे प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शन को स्टडी करेंगे और उनके प्रेडिक्शन करेंगे कि वो किस अमाउंट में प्रेडिक्ट जो है मतलब किस तरीके से इंट्रैक्ट करती है किस तरीके से वो क्वान्टिटी में जो है आप बोल सकते हो इंट्रैक्शन हो रही है इसके लिए भी आप सेम चीज़ें यूज़ करोगे आ, हमारी नॉर्मल टेक्निक होंगी और हमारी दूसरी टेक्निक होंगी जो कि हमारी वेब सर्वर पे बेस होंगी तो यहाँ पे देखो यहाँ पे मैंने पिंक शेडेड किया हुआ है यहाँ पे मैंने लिखा है कि स्टडिंग प्रोटीन प्रोटीन इंट्रैक्शन तो यहाँ पर प्रोटीन प्रोटीन इंट्रेक्शन को स्टडी करने के लिए हम नॉर्मल जो यूज़ करते हैं दीज फ़ास्ट डिस्प्ले एंड यस्ट टू हाइब्रिड सिस्टम ये दो ऐसी टेक्निक होती हैं जो हम यूज़ करते हैं फॉर प्रोटीन प्रोटीन इंटरैक्शन एंड अगर हमें कोई वेब सर्वर यूज़ करना हो तो वेब सर्वर यूज़ करने के लिए हम कुछ वेब यहाँ पे यूज़ करते हैं डेट आर इंटरप्रिटी एस आई पी पी आर ई डी और यहाँ पे हम थर्ड यूज़ करेंगे मेट्रिक्स फोर्थ यूज़ करेंगे एडवाइस एंड फिफ्थ वन इज स्ट्रिंग ये पाँचों जो हैं हम ऐसे वेब सर्वर होते हैं जो यूज़ करते हैं इंटरप्री टी एस आई पी पी आर ई डी और मेट्रिक्स एडवाइज और स्ट्रेंग ये पाँच हम यूज़ करेंगे उसके अलावा हम प्रोटीन इंट्रैक्शन को डोमिन फ्यूजन के बेस पर जीन नेबर्स सिक्वेंस होमोलॉजी इन तीनों के बेस पर भी चेक करते हैं कि प्रोटीन इंट्रैक्ट कर रही है या नहीं कर रही है तो नॉर्मल टेक्निक में फास्ट डिस्प्ले ये स्ट टू हाइब्रिड सिस्टम और वेब सर्वर में ये पाँच वेब टूल और उसके बाद बेस्ड इंट्रैक्शन में ये तीन मैथड हम यूज़ करते हैं अपने प्रोटीन की इंट्रैक्शन को स्टडी करने के लिए तो आई होप आपको ये पूरा चार्ट अच्छे से समझ आ गया होगा एक बार आप इसको आ, देख लीजिए इसमें मैंने सबसे पहले प्रोटीन की जो है सेपरेशन बताई है फिर प्रोटीन की आइडेंटिफिकेशन बताई है ये और ये दोनों सेम हैं दोनों एक साथ हैं उसके बाद पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन उसके बाद प्रोटीन शॉर्टिंग और उसके बाद प्रोटीन प्रोटीन इंट्रैक्शन प्रोटीन जो है सेपरेट करने के लिए टूडी जेल इलेक्ट्रोफोरिस नॉर्मल टेक्निक है और मेलानी कैप टूडी जेल कैरोल्स भी स्टूडी हमारे सॉफ्टवेयर हैं उसके बाद आइडेंटिफिकेशन के लिए हमारे पास हम मास स्पेक्ट्रो फोटोमीट्री का यूज़ करके एडवांस्ड वर्जन लेते हैं दैट इज पेप्टाइड मास फिंगर प्रिंटिंग जिसके लिए हम ट्रिप्सिन एंजाइम को यूज़ करते हैं ताकि वो हमारी प्रोटीन को छोटे छोटे फ्रेगमेंट में बांट दे उनको उसमें कन्वर्ट कर दे माल्टीटोफ और ई एस आईज में वेब सर्वर हम यूज़ करते हैं कुछ अनदर डाटा बेसिस होते हैं कुछ अनदर नॉर्मल टेक्निक होती है दैट आर डाइज प्रोटीन माइक्रो एरेज प्रोटीन प्रिंट और उसके अलावा कुछ वेब सर्वर होते हैं दैट आर एक्सपेसी और ए जो कि इसके सब प्रोग्राम है ए ई कॉम्पिडेंट टैग आई डी टी पैप पैप आई डी टी कोब सर्च टूल और प्रो फाउंड वेब सर्वर मेस्कोट वेब सर्वर मेस्कोट वेब सर्वर जो है बहुत कॉमनली यूज़ किया जाता है पोस्ट ट्रांसलेशनल के लिए हमने देखा कि हम इसमें जो है वेब टूल यूज़ करते हैं दैट आर एस वी एम ऑटोमोटिव वेब सर्वर स्टीन और रिकर्सिव फॉर डायसेल्फाइड ब्रिज डायसेल्फाइड बॉन्ड चेक करने के लिए हम इसको यूज करते हैं एक्सपेसी और हेजेड एक्सपेसी के कुछ सब प्रोग्राम होते हैं फाइंड मोड ग्लाई मोड ये यूज़ करते हैं हम उसके बाद हमने प्रोटीन शॉर्टिंग को चेक किया प्रोटीन शॉर्टिंग के लिए हमने तीन वेब सर्वर यूज़ किए दैट आर सिग्नल पी टारगेट पी एंड पी शॉर्ट उसके बाद हमने प्रोटीन की इंट्रैक्शन को नॉर्मल टेक्निक से स्टडी करने के लिए हमने फास्ट डिस्प्ले और ये

तो आप इसको मतलब थोड़ा अच्छे से समझो ध्यान से समझो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और काफ़ी अच्छा टॉपिक है काफ़ी स्कोरिंग टॉपिक है और काफ़ी अंडरस्टैंडेबल है अगर आप इसको बहुत इजीली इंटरेस्ट के साथ समझोगे और आई थिंक यूट्यूब पे बहुत सारी ऐसी वीडियोस हैं जो इसको प्रेजेंटेशन के थ्रू एक्सप्लेन कर रही हैं बट आई थिंक हैंड नोट्स आपको मेरी चैनल पर आराम से मिल सकते हैं तो आप समझो और बेनिफिट लो जितना भी आपको सही लगता है ठीक है फिर आगे की वीडियो में हम देखते हैं हर एक टेक्निक को इजीली समझने की कोशिश करेंगे स्टेप वाइज तो हम नेक्स्ट जो है सेपरेट सेपरेटिंग प्रोटीन इन प्रोटीम इस मेथड को हम स्टडी करेंगे तो आगे नेक्स्ट वीडियो मैं आपको बताती हूँ कि हम कैसे प्रोसीड करेंगे ठीक है फिर थैंक यू फ्रेंड्स